हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारे मैपिंग का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ जितनी भी इंटरनेशनल लोकेशंस हैं जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रही हैं, उन सबको मैंने कवर करा है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके पहला वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर हमने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस रही हैं उनको कवर करा है। वो वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस को शॉर्ट बनाएं ताकि आप लोग कहीं भी चलते फिरते देख सकें। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आई होप आप सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अपने घर या रूम के अंदर रह रहे होंगे। देखिए, टफ तो है क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं और बाहर निकले बिना हमें चैन नहीं मिलता, लेकिन ये 21 दिन हमें कहीं नहीं जाना है। और जो ये टाइम मिला है ना, जिस टाइम के लिए हम हमेशा बोलते रहते थे जब हम कोचिंग जाते थे या ऑफिस जाते थे कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो जितना बैकलॉग है सब फिनिश कर लूँ, थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो 2 बार रिवीजन कर लूँ, तो ये 21 दिन वही टाइम है। जितना भी पीछे छुटा हुआ है या जो भी आपका प्लान है जो कभी फिनिश नहीं हो पाता था, अभी आपको कहीं नहीं जाना, अभी आपको कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं है, अभी कहीं आपको चाय पीने के लिए नहीं जाना है, अभी कहीं आपको चाय पे चर्चा भी नहीं करनी है। तो जितना भी आपका टाइम है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। इनफैक्ट क्योंकि अभी हमारे पास पूरी 24 घंटे सिर्फ हमारे हैं, तो आप पढ़ने के साथ किसी अगर आपको कोई हॉबी है तो आप हॉबी भी डेवलप करिए। जैसे अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप किताबें पढ़िए, ऑनलाइन इतनी सारी किताबें हैं। इनफैक्ट इतनी सारी जो ऑनलाइन बुक्स होती हैं, जो ऑडियो बुक्स होती है, इतनी सारी एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस ने वो फ्रीली सब्सक्रिप्शन देना भी स्टार्ट कर दिया है आई थिंक। और अगर आप जैसे आपको डांसिंग पसंद है, इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, या सिंगिंग पसंद है, या पेंटिंग करना पसंद है, DIY करना पसंद है, जो भी पसंद है, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा आप यूट्यूब से उसको सीख सकते हो, खुद को एंटरटेनमेंट रख सकते हो। और इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप पहले जिम जाते थे या वॉक पे जाते थे, जॉगिंग पे जाते थे, अभी आप नहीं जा पा रहे हैं तो रूम पे योगा कर लीजिए, थोड़ी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि इस स्पेसिफिकली अगर हेल्थ पे कंसर्न करता हुआ या कौन सी एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाया जाए तो आप हमें बता सकते हो। हमारी टीम में से कोई या मैं खुद एक ऐसा वीडियो बना दूंगी जो आपको हेल्प करेगा कि आप रूम पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है कि हम खुद घर पे रहें, हमारे घर वालों को घर पे रखें और ध्यान रखें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करा है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंटरनेशनल लोकेशंस हैं और जितनी भी पिछले एक साल के अंदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस न्यूज़ में रही हैं वो सारी मैंने कवर करी है। मैंने इसमें बहुत जर्नलिस्टिक व्यू नहीं लिया है कि मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जितनी भी लोकेशंस हैं उनको, फिजिकल और पॉलिटिकल जितनी भी लोकेशंस हैं उनके बारे में बताऊं, लेकिन मैंने इसमें जितनी भी न्यूज़ में रही हैं, मैंने जहाँ जहाँ पे भी द हिंदू से, PIB से, इंडियन एक्सप्रेस से जो भी लोकेशंस मेरे को मिली हैं सारी लोकेशंस मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि थोड़ा क्रिएटिवली सोचना है, थोड़ा UPSC की तरफ से सोचना है कि वो कैसे क्वेश्चंस देती है। रिलेटिव डिस्टेंस पे ध्यान देना है। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब कि ये लोकेशन दूसरी लोकेशन से कितना आगे है, पीछे है, पहले है, ऊपर है, नीचे है, कौन सी लोकेशन पे है। और हो सकता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको कुछ पता ही ना हो, लेकिन अगर आप ये जितना भी हम इस सीरीज़ में वीडियो बनाते हैं या फिर आपको पहले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो आप किसी न किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंचे जाएंगे। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में कौन कौन सी लोकेशंस वर्ल्ड पे रही है, ये कुछ लोकेशंस हैं। दीज आर ओनली वेरी फ्यू लोकेशंस जो मैंने इसमें डाली है। इसको मैंने एक अलग से स्लाइड में डाला है और मैं की पॉइंट्स भी डालती जा रही हूँ ताकि जब आप PDF पढ़ें तो PDF से आपको रिवाइज करने में हेल्प हो जाए। तो एक एक करके हम लोग इन सारे लोकेशंस को मैप पे देखते हैं। सबसे पहली लोकेशन है अपनी इरबिल, इराक में। चलो तो फिर इराक का पूरा मैप देख लेते हैं। इराक के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी हैं? दोहुक, मोसुल, ये रहा यहाँ पे इरबिल, किरकुक, यहाँ पे समारा और ये बगदाद। ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इराक की। और इराक पे ही एक माउंट सिंजर है। माउंट सिंजर अभी सीरियन रिफ्यूजीज की वजह से न्यूज में रहा था, तो इसकी लोकेशन आप ध्यान कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है माउंट सिंजर कहाँ पे है,
तो माउंट सिंजर है इराक के अंदर। और अगर इराक की सिटीज पूछी जाती है कि आप कि मोसुल न्यूज में था कौन सी कंट्री में है, इरबिल न्यूज में था कौन सी कंट्री में है, समारा न्यूज में था कौन सी कंट्री में है, बगदाद यहाँ पे है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ये जो बगदाद है ये रिवर टिग्रिस के बैंक पे बसा हुआ है। तो ये हुआ, ये हमारी दो लोकेशंस के साथ काफी सारी लोकेशंस हमारी इसमें कवर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये एक और मैप लिया है मैंने इसमें बगदाद का, इराक का। ये इसमें देखिए, इसमें दो रिवर्स क्रॉस हो रही हैं, रिवर टिग्रिस और रिवर यूफेरेट्स, और ये जो बगदाद है ये टिग्रिस पे बना हुआ है। और ये लोकेशन हमने अभी देखी थी, मोसुल और इरबिल। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मैप, लीबिया के अंदर ये कुछ लोकेशंस न्यूज में रही थी, त्रिपोली और सिरते। त्रिपोली और सिरते दो लीबिया की लोकेशंस न्यूज में थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिपोली कौन सी कंट्री की लोकेशन थी, तो कौन सी कंट्री की लोकेशन होगी, वो लीबिया की। उसके बाद एक ये लाइन न्यूज में रहा था, ग्रीन लाइन। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट यू मीन बाय ग्रीन लाइन, तो इसको फॉरेस्ट या एनवायरमेंट से लिंक नहीं करना है अभी के लिए, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन। अगर ये आता है तो ये 1967 के अंदर, इसको इसको दो नाम से और बोलते हैं, 1967 का बॉर्डर या फिर 1949 का आर्मिस्टिक बॉर्डर भी बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये वाली ग्रीन लाइन जो वेस्ट बैंक और इसराइल को अलग कर रही है, और ये गाजा पट्टी को और इसराइल को अलग कर रही है, ये वाली लाइन है ग्रीन लाइन। इसको ग्रीन लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तब उन्होंने ग्रीन मार्कर से बनाया था, तब से इसका नाम ग्रीन लाइन हो गया है। तो जब हम ये देख रहे हैं, हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर अगर आपको याद है तो हमने गोलन हाइट्स भी देखा था। गोलन हाइट्स कौन सी चार कंट्रीज के बीच में था, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इसराइल के बीच में। और उसके पास ही क्या था, सी ऑफ गैलीली। ये सी ऑफ गैलीली था जिसे लेक टिब्रस भी बोलते थे हम लोग, इसके दो नाम और थे। और यहाँ पे क्या देखा था हमने, डेड सी का लोकेशन। डेड सी कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में था, वेस्ट बैंक, इसराइल और जॉर्डन के बीच में। और यहाँ पे अगर हम फिर से इनका देखें कि कौन से सी में ओपन हो रहे हैं, तो इसराइल हो गया और गाजा पट्टी हो गया, ये दोनों मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन हो रहे हैं। वेर इज वेस्ट बैंक जो है ये लैंडलॉक्ड है, किसी भी ओशन या वाटर बॉडी के अंदर ओपन नहीं हो रहा है। देखते हैं अगली लोकेशन कौन सी है। सीरिया की कुछ लोकेशंस न्यूज में रही थी, इडलिब, अलेपो, हमा, होमस एंड दमाकस। चलो मैप में देख लेते हैं कौन से लोकेशन है। ये सीरिया का एक ऐसा मैप है जिसमें बताया है कि कौन सा लोकेशन कौन सी गवर्नमेंट या फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल्ड है। तो हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे हाल फिलहाल, अभी सिर्फ लोकेशंस देखते हैं कि कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो सीरिया के अंदर है। यहाँ से देखते हैं, जराबल्स, कोबेन, मनबिज, ये इम्पोर्टेंट, ये है अलेपो इम्पोर्टेंट है, इडलिब इम्पोर्टेंट है, हमा, होमुस, दमाकस और रक्का। रक्का बहुत न्यूज में रहा है, ये सारी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको ध्यान से पढ़ लेना, चाहे पीडीएफ में पढ़ लेना, चाहे इस वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लेना, लेकिन ये लोकेशंस अगर न्यूज में आ जाती है कि अलेपो कौन सी कंट्री में है, तो हम आंसर क्या देंगे, सीरिया के अंदर। जब हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक बार इसका ओवरऑल मैप भी देख लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन सा मैप में कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। ये वाला पूरा एरिया मिडिल ईस्ट का है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी हमने देखा था कि सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कर्जाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। अराल सी है, अराल सी के अंदर दो रिवर गिरती थी, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, एक अमू दरिया और दूसरी कौन सी थी, श्री दरिया। और यहाँ पे ये अराल सी कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे दिख रहा है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी की कंट्रीज मैंने आपसे पूछी थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर करा था। कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया की कौन सी दो कंट्रीज से मिलता है, तुर्कमेनिस्तान से और कजाकिस्तान से, और इसका बॉर्डर ईरान से भी टच होता है। तो ये हो गई कैस्पियन सी की लोकेशन। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमें तीन कंट्रीज दिख रही हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जो ब्लैक सी के साथ ओपन होता है और ये लैंडलॉक नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जॉर्जिया लैंडलॉक्ड नहीं है, वेर इज अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कंट्रीज जो ए से स्टार्ट होती हैं,
वो लैंडलॉक्ड है, जबकि जॉर्जिया, मिस्टर जॉर्ज बिल्कुल फ्री हैं, वो ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखते हैं हम टर्की की लोकेशन आ रही है। टर्की कौन से दोस्त, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि टर्की की लोकेशन कौन से दो सी के बीच में है, ब्लैक सी के बीच में और मेडिटेरेनियन सी के बीच के अंदर टर्की आता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमने दो रिवर्स देखी थी, रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। बाकी लोकेशंस देखते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर दिख रहा है आपको यहाँ पे, और मेडिटेरेनियन सी से अभी अभी हमने देखा था कौन सी कंट्री थी, यहाँ पे गाजा, इजराइल, लेबनान था और सीरिया, और टर्की तो है ही। उसके अलावा कौन सी कंट्रीज हैं, ये वाला जॉर्डन, जॉर्डन का एरिया मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होता है। जॉर्डन का एक छोटा सा कोस्टल पॉइंट है, छोटा सा, एक ही बस कोस्टल सिटी है, गल्फ ऑफ अकाबा, इसको भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा इराक। इराक किस में ओपन होता है, पर्शियन गल्फ में। यहाँ पे ये आप दिख रहे हो छोटा सा, जहाँ पे टिग्रस और यूफ्राइट्स आके गिरती है, पर्शियन गल्फ के अंदर ये है दो, ये एरिया किसका है, इराक का। और इसके बिल्कुल पास के अंदर है कुवैत, और ये छोटा सा आइलैंड हमने लास्ट टाइम में देखा था, ये है बहरान का, और ये बाहर एक छोटा सा टापू टाइप निकला हुआ कतर, ये यूएई, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर है वो रेड सी के साथ भी मिलता है और पर्शियन गल्फ के साथ भी मिलता है। यहाँ पे हमने देखा था ओमान और यमन, ये पूरा का पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला हमने लास्ट टाइम देखा था, याद है आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज है, हालांकि ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम पूरे मैप की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये छोटा सा दिख रहा है सिनाई, ये इजिप्ट और ये जॉर्डन के बीच में सिनाई का पेनिनसुला, ये सुएज कनाल जिसपे निकली हुई है सिनाई, ये सिनाई पेनिनसुला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे एक और मैप के अंदर देखते हैं कि कौन सा है। और रेड सी के अंदर हमने लास्ट टाइम में देखा था कौन सी कंट्रीज ओपन हो रही थी, इजिप्ट हो रही थी, सूडान हो रही थी, इरिट्रिया हो रही थी, यूथोपिया। यूथोपिया पूरी लैंडलॉक्ड कंट्री है, अगर आ जाता है तो यूथोपिया को बाहर निकाल देना, यूथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे जिबाउती और यहाँ पे सोमालिया। देखते हैं अभी आगे क्या है कि एक हमने बताया था कि जॉर्डन का सिर्फ एक सी पोर्ट है अकाबा। अकाबा जो है यहाँ पे लोकेटेड है बिल्कुल, ये गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं इसको। गल्फ ऑफ अकाबा किससे मिल रहा है, रेड सी से आके, और ये गल्फ ऑफ सुएज है। गल्फ ऑफ सुएज है, सुएज कनाल कौन सी दो सीज को मिलाता है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे और रेड सी को यहाँ पे। ये वाला एरिया हमने देखा था, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का एरिया है, और ये इकलौता ऐसा पार्ट है जो एशिया के अंदर आता है। ये अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो इजराइल के साथ इसका बॉर्डर मिल रहा है, ये सिनाई पेनिनसुला अफ्रीका का पार्ट है इजिप्ट का, और ये एशिया के अंदर आता है। ठीक है, और ये सऊदी अरेबिया है ही, ये हमने देख लिया। अभी हम एक बार देखते हैं साउथ अमेरिका के मैप को। साउथ अमेरिका के मैप को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस न्यूज़ में रही थी, तो मुझे लगा कि इसका पूरा मैप भी देख लेते हैं एक बार, तो जल्दी से इसका पूरा मैप देखते हैं। लेट्स सी, पहले ही नज़र डालते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका से। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये एक छोटा सा जो स्लाइस टाइप दिख रहा है बिल्कुल बॉर्डर पे, ये है चिली, अर्जेंटीना, उरागवे, पराग्वे, यहाँ पे ये ब्राजील, यहाँ पे ये फ्रेंच गिनी आपको दिख रहा है। ये अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ से इसरो ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च करा था, और ये फ्रांस का, यहाँ पे फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये कौन से दो सीज के बीच में है, पैसिफिक ओशन के बीच में और अटलांटिक ओशन के बीच में। साउथ अमेरिका में से दो इंपॉर्टेंट लाइंस गुजरती हैं, इक्वेटर निकलता है एक, तो ये आपको दिख रही है लाइन, ये लाइन है इक्वेटर की, और एक निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इन दोनों के बारे में हम एक्सटेंसिवली देखेंगे कुछ आगे की स्लाइड्स में। और क्या देखना है हमें यहाँ पे, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट लोकेशंस देखते हैं, जैसे इक्वाडोर की कैपिटल है कीतो, ये रहा आपको कीतो दिखेगा बिल्कुल। आप इसमें ये ध्यान रखिए कि कौन सी कंट्री कौन से ओशन में ओपन होती है, जैसे ब्राजील हो गया, उरागवे और अर्जेंटीना हो गया, फ्रेंच किनिया हो गया, और जॉर्ज टाउन, ये सारी की सारी अटलांटिक ओशन में ओपन होती है। वेरेज इसकी जो वेस्ट वाली कंट्रीज हो गई, जैसे कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू हो गया, चिली हो गया, ये पैसिफिक ओशन के अंदर ओपन होती है। चिली की कैपिटल सेंटीगो यहाँ पे है, अर्जेंटीना ये ब्यूनोस एरीज,
सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है मेरे लिए. ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया यहाँ पे है. तो इसको एटलीस्ट आप इस तरीके से देख लीजिए कि ये यहाँ पे लीमा है, यहाँ पे लापेज है. अगर आपसे इतना सा पूछा जाए कि आप इसमें से फॉर एग्जांपल आप चार कंट्रीज ले लीजिए, जैसे हम लोग इसके अंदर से कीतो, लीमा, सेंटियागो और ब्राज़ीलिया ले लेते हैं, कि इसको हमें नॉर्थ टू साउथ में अगर अरेंज करना है तो हमें पता होगा कि अच्छा इक्वेडोर तो ऊपर था, उसके नीचे ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया था, अच्छा चिली तो सबसे नीचे है और ये सेंटियागो यहाँ पे लोकेटेड है, तो हम एटलीस्ट उसको अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एलिमिनेशन में काम आएगा. एक बार इसका फिजिकल मैप देख लेते हैं. फिजिकल मैप के अंदर देखो, इसका ऑलरेडी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका पॉलिटिकल और फिजिकल मैप सुमित ने पिछले साल के एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छे तरीके से जानना है तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हो. इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैं आपको एक बार बता देती हूँ. ये है इसका फिजिकल मैप. अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है अमेजोन रिवर, सुनते ही हैं हम इतनी बार, और अभी ब्राज़ील अमेजोन फॉरेस्ट फायर की वजह से भी न्यूज़ में था. तो ये जो अमेजोन रिवर है ये कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक ओशन के अंदर. और इसके अंदर ये कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स या रेंजेस कौन सी? एक तो एंडीज है यहाँ पे, और यहाँ पे है अटाकामा डेजर्ट. ये दिख रहा है आपको अटाकामा डेजर्ट, ये रहा एंडीज के पहले अटाकामा डेजर्ट. अटाकामा डेजर्ट किस में, कौन सी कंट्री के अंदर आएगा? ये चिली कंट्री के अंदर. यहाँ पे अकोन कागुआ है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जो सेवन समिट चैलेंज के अंदर भी था अकोन कागुआ. यहाँ पे ये पेंटेगोनिया है, पेंटेगोनिया, और ये यहाँ पे पंपास के प्लेन्स हैं. यहाँ पे ये ग्रैंड चाकोज है, और ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, और ये गुआना हाईलैंड्स हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जरूरी है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर फॉल हो रही है. अगर पूछ ले कि अटाकामा डेजर्ट किस में है, अगर आपको अटाकामा डेजर्ट देख के सामने अफ्रीका दे दिया तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकोगे, नहीं मुझे पता है अटाकामा डेजर्ट तो ऐसे एंडीज से पहले ही चिली के अंदर है, ये तो साउथ अमेरिका के लोकेशन में है. कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स भी देख, एक तो बोलीवियन प्लेटू, यहाँ पे बोलीवियन आपको याद रह जाएगा कि बोलीवियन साउथ अमेरिका से रिलेटेड है. एक मातो ग्रासो प्लेट्यू है, वो कहाँ पे है? मातो ग्रासो प्लेट्यू कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के अंदर. और कौन से लोकेशंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोकेशन यही है, अमेजोन रिवर हमने देख ली, ब्राजीलियन हाईलैंड यहाँ पे, पंपाज, पेटागोनिया और अटागामा डेजर्ट, एंडीज है यहाँ पे है, अकोनकागुआ हमने देख लिया कि यहाँ पे है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी साउथ अमेरिका की. आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया का. ये एक्चुअली सोलोमन आइलैंड है, हाँ ये न्यूज़ में था, तुलागी आइलैंड न्यूज़ में था. क्यों? क्योंकि चाइना ने इस तुलागी आइलैंड को 75 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है. तो आ सकता है कि तुलागी आइलैंड कहाँ पे है? 75 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है. तुलागी आइलैंड सोलोमन आइलैंड का एक पार्ट है, और सोलोमन आइलैंड कहाँ फॉल होता है? ये रहा यहाँ पे, ये पपुआ न्यू गिनिया का एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है. तो सोलोमन आइलैंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर आता है. सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है? दो चार आइलैंड्स का नाम दे दिया, सोलोमन आइलैंड के सामने डाल दिया पैसिफिक ओशन, तो वो सही होगा. ये दिख रही है हमें इक्वेटर जा रही है यहाँ पे. सोलोमन आइलैंड इक्वेटर के नीचे फॉल होता है, सोलोमन आइलैंड के अंदर से इक्वेटर क्रॉस नहीं होती है. यहाँ पे कुछ दो तीन सीज भी दिख रहे हैं, इन सीज को हम एक्सटेंसिवली भी देखेंगे जब अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे. तो तुलागी आइलैंड कहाँ पे है? सोलोमन में, सोलोमन आइलैंड में, और सोलोमन आइलैंड कहाँ पे फॉल होता है? पैसिफिक ओशियन के अंदर. उसके बाद में ये मालदीव्स का एक एरिया न्यूज में था, मालदीव्स के अंदर एक आइलैंड है हल ह्यूमेल आइलैंड. हल ह्यूमेल आइलैंड माले के बिल्कुल पास में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है. ये मालदीव्स ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था क्योंकि उनके पास इतनी जमीन है नहीं कि वो अपनी जो भी अर्बन कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह है उनको डेवलप कर सके. तो हल ह्यूमेल आइलैंड माले के पास एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, कहाँ पे? मालदीव्स के अंदर. और यहीं पे है एक माकुंडो आइलैंड. माकुंडो आइलैंड जो है ये यहाँ पे कहीं पे वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड अटोल है, ये एक्चुअली वेस्टर्न मोस्ट अटोल है मालदीव्स का. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इक्वेटर वाली लाइन है, और ये इक्वेटर वाली लाइन मालदीव्स को क्रॉस होके जा रही है. ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन याद रखनी है. लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? मालदीव्स के जस्ट नीचे क्या था यहाँ पे? चेगोज आर्किपेलेगो. चेगोज आर्किपेलेगो के नीचे वाला आइलैंड क्या था? डिएगो गार्सिया. और यहाँ पे हमने क्या देखा था?
स्विचलेस देखा था हमने, अभी आगे वाले एक वीडियो के अंदर हम फिर से देखेंगे वो लोकेशंस। उसके बाद एक लोकेशन कैनरी आइलैंड जो है, ये भी न्यूज़ में थी। यहाँ पे देख रहे हो आप, कैनरी आइलैंड की लोकेशन दिख रही है आपको, वेस्टर्न सहारा के बिल्कुल पास में। ये कैनरी आइलैंड जो है, ये स्पेन की टेरिटोरी है, यहाँ पे स्पेन का कब्जा है। और यहीं पे हमें दिख रहा है कि अजोर्स भी है और मेडेरिया भी है। ये अटलांटिक ओशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैनरी आइलैंड्स कौन से ओशन के अंदर फॉल होता है, अजोर्स कौन से ओशन के अंदर फॉल होता है, या फिर सोलोमन आइलैंड कौन से ओशन में फॉल होता है, तो यू शुड नो कि ये तीनों आइलैंड तो, अच्छा, हमने अटलांटिक में देखा था, और सोलोमन आइलैंड हमने कहाँ देखा था, पैसिफिक के अंदर। और यहीं पे हमें क्या दिख रहा है, इबरियन पेनिनसुला। ये पुर्तगाल और स्पेन वाला जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा, इसको बोलते हैं इबरियन पेनिनसुला। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, दूसरी चीज कि सिर्फ स्पेन का एरिया जो है वो मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो रहा है, पुर्तगाल का एरिया तो पूरा अटलांटिक ओशन के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, पुर्तगाल मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक बार जो अफ्रीका है उसका पूरा लोकेशन देख लेते हैं। इसका पूरा लोकेशन, ये इसका पॉलिटिकल मैप है, एक बार इसके पॉलिटिकल मैप को अच्छे से देखते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे कौन से ओशन में ओपन हो रही है। स्टार्ट करते हैं ऊपर से, पहले देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती है। मोरक्को आती है, अल्जीरिया आती है, लीबिया आती है, इजिप्ट आती है, सूडान है, यहाँ पे हमने देखा था इट्रिया था, जिबाउती था, यूथोपिया जो हम कब से बोल रहे हैं कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, सी लैंडलॉक्ड कंट्री, यहाँ पे सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक आ रहा है यहाँ पे, ये मेडागास्कर इसका एक आइलैंड है, यहाँ पे हमें दिख रहा है स्वाजीलैंड, यहाँ पे हमें दिख रहा है लेसोतो, ये साउथ अफ्रीका, ये बोस्तवाना, ये नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला, दो है कोंगो, एक तो है रिपब्लिक ऑफ कोंगो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। यहाँ पे छोटी छोटी सी कंट्रीज है, बुरांडी और किगाली, सॉरी बुरांडी और रवांडा। किगाली जो है वो रवांडा की कैपिटल है, यहाँ पे दिख रही है बुरांडी हमें। ये जो दिख रही है आपको, ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में फॉल होती है, देख के बताओ मुझे, युगांडा में, केनिया और तंजानिया। तंजानिया के अंदर हमने एक माउंट भी देखा था, माउंट किलीमंजारो। तो ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की सराउंडिंग तीन कंट्रीज है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। गुड, उसके ऊपर चलते हैं तो हमें दिख रहा है सूडान है, ये साउथ सूडान एक्चुअली अभी हमारा सबसे न्यूएस्ट कंट्री बना हुआ है। सूडान को दो भागों में बांट दिया था, सूडान और साउथ सूडान हो गया था। और यहाँ पे हमें दिख रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिख रहा है, यहाँ पे हमें कैमरून दिख रहा है, कैमरून के अंदर एक माउंट भी है, माउंट कैमरून। यहाँ पे ये चाड है, ये नाइजर है, ये नाइजीरिया दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे छोटी छोटी सी कंट्रीज है, ये माली है, ये मोरिटेनिया है यहाँ पे, ये वेस्टर्न सहारा है। यहाँ पे हमने अभी देखा था कैनरी आइलैंड, ये यहाँ पे अजोर्स का आइलैंड देखा था हमने, ये मोरक्को ऊपर अभी हमने देखा, ये यहाँ पे छोटी सी कंट्रीज है, सिनेगल है, ये गिनिया है, ये घाना है यहाँ पे। तो ये तो फिजिकल मैप है, इस मैप को आपको दिमाग में चिपका लेना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री इंडियन ओशन की तरफ, यहाँ पे इंडियन ओशन है, कौन सी कंट्री इंडियन ओशन की तरफ ओपन हो रही है, और कौन सी कंट्री अटलांटिक ओशन की तरफ ओपन हो रही है, और इनमें से कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। सी में आपको लैंडलॉक्ड कंट्री का एक अलग से भी मैप दिखाऊंगी, ताकि आपको पता रहे कि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग उसको अच्छे से एलिमिनेट कर सकें। इस वाले मैप से आगे चले एक बार के लिए, लेट्स गो। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज की बात करी हमने, लैंडलॉक्ड कंट्रीज कितनी हो गई हमारी, 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर। कौन कौन सी है एक बार नजर डाल के देखते हैं, तो कौन कौन सी दिख रही है आपको, देखो ये हमने देखी थी माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये कोंगो वाली जो कंट्रीज हैं, ये दोनों यहाँ पे ओपन हो रही है अटलांटिक ओशन में, तो ये लैंडलॉक नहीं है। साउथ सूडान, यूथोपिया, कब से बोले जा रही हूँ मैं यूथोपिया लैंडलॉक डे, याद रखना है। नीचे युगांडा, ये नीचे दो छोटी छोटी सी जो कंट्री दिख रही है, रवांडा और बुरांडी, यहाँ पे ये मालावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, बोस्तवाना, और दो कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, स्वाजीलैंड और लेसोथो। टोटल 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। इन कंट्रीज को एटलीस्ट याद रख लो, ताकि आपको एलिमिनेशन में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। एक बार फिर से पढ़े कौन कौन सी थी, यहाँ पे था माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, यूथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरांडी, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे,
बोस्तवाना, स्वाजीलैंड और लेसोथो, ये सारी लैंडलॉक कंट्रीज हैं अफ्रीका की, 16, ये याद रखनी है आपको। उसके बाद एक बार इसका फिजिकल मैप भी चेक कर लेते हैं कि फिजिकल मैप के अंदर क्या लोकेशंस हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से सीज हैं आसपास। मेडिटेरेनियन सी है नॉर्थ की साइड में, रेड सी है इस तरफ वेस्ट की साइड में। उसके बाद नीचे चलते हैं तो ये सीरो लियोन लाइज है यहाँ पे, सियरा लियोन लाइज राइज है यहाँ पे। और उसके नीचे देखते हैं तो ये एक मिड अंटार्कटिक, ये तो बहुत ही पॉपुलर है आपको पता ही है, मिड अटलांटिक रिज वाला एरिया। यहाँ पे ये अंगोला बेसिन है, अंगोला बेसिन अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ पे है तो अटलांटिक ओशन वाले एरिया में। और देखते हैं क्या है यहाँ पे, चलो अब अंदर चलते हैं। पहले एक बार डेजर्ट देख लें क्योंकि अफ्रीका अपने डेजर्ट्स के लिए फेमस है। सबसे ऊपर देखते हैं क्या है, सहारा डेजर्ट, और यहाँ पे वेस्टर्न डेजर्ट। यहाँ पे वेस्टर्न सहारा वाली एक कंट्री भी थी, ये पूरा का पूरा एरिया सहारन डेजर्ट के अंदर आता है। ये है लिबियन डेजर्ट। अगर डेजर्ट का नाम दे के आपसे कॉन्टिनेंट पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे डेजर्ट किस में फॉल होते हैं, अफ्रीका के अंदर। ये है लिबियन डेजर्ट, ये है वेस्टर्न डेजर्ट, इधर ये नुबियन डेजर्ट, और यहाँ पे ये नामिब डेजर्ट, ये कालाहारी डेजर्ट। अभी तो इतने ही दिख रहे हैं मुझे। कितने देख लिए हमने, सहारा डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, नुबियन डेजर्ट, नामिब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट। ये सारे डेजर्ट कहाँ लोकेटेड हैं, अफ्रीका के अंदर। ओके, अभी कुछ माउंटेन रेंजेस देखते हैं। सबसे ऊपर कौन से दिख रही है, एटलस माउंटेन रेंज। एटलस माउंटेन रेंज क्वेश्चन आता है कहाँ पे है तो अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर उसके उसके बाद आता है ताडे मेती प्लेट्यू, ये कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका के अंदर। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक माउंटेन भी दिखेगा, माउंट ताहत, और उसके जस्ट पास में है अगर माउंटेन, अगर माउंटेन और माउंट ताहत। उसके नीचे चलते हैं तो हमें क्या दिखेगा, माउंट केनिया है यहाँ पे। ये देखो लेक विक्टोरिया की बात करी थी हमने, कौन सी तीन कंट्रीज के अंदर थी, याद करो याद करो। और ये माउंट किलिमंजारो हमने लास्ट टाइम भी बात करा था। ये तीन माउंटेन रेंजेस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूनिक नाम है इनके, इनका ध्यान रखना, मितुम्बा, मुचिंगा और माटापो। मितुम्बा, मुचिंगा और माटापो जो हिल्स है, माउंटेन है, मितुम्बा एंड मुचिंगा माउंटेन्स अफ्रीका के अंदर है, और यहीं पे माटापो हिल भी है। माटापो हिल भी कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर है। और एक ये यहाँ से रिवर निकल रही है, ऑरेंज रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट ये नाइल रिवर, सी यूथोपियन हाईलैंड से निकलती हुई ये नाइल रिवर नुमीबियन डेजर्ट को क्रॉस करती हुई, यहाँ से ईस्टर्न डेजर्ट में से निकलती हुई मेडिटेरेनियन सी के अंदर फॉल होती है। अमेजोन रिवर कौन सी ओशन में या सी बॉडी में फॉल हो रही थी, अटलांटिक ओशन के अंदर। और नाइल रिवर कहाँ पे गिर रही है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेक नसर, ये बहुत छोटा सा है लेकिन अगर इसे गौर से देखोगे तो नुबियन डेजर्ट के जस्ट ऊपर नाइल रिवर के पास के अंदर लेक नसर बना हुआ है। लेक नसर जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मैनमेड वाटर बॉडी है, सबसे बड़ी वाटर मैनमेड आर्टिफिशियल लेक है ये लेक नसर, याद रखना। ये लेक नसर नाइल रिवर के पास में बनी हुई है और ये जो वाटर क्रंच होता है इस वाले एरिया के अंदर उसके लिए बनाया गया था। उसके बाद ये माउंटेन हमने देख लिया, यहाँ पे जॉस प्लेट्यू है, और क्या देखना था, रिफ्ट वैली है यहाँ पे, रेड सी भी हमने देखा था लास्ट बार कि ये भी एक्चुअली रिफ्ट वैली के अंदर बना हुआ है, ये दोनों सेपरेट होती जा रही है। यहाँ पे कातांगा प्लेट्यू भी है और यहाँ पे ब्ली प्लेट्यू भी है। तो हमने चार इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज देखे, कौन से, ब्ली प्लेट्यू, ये है कातांगा प्लेट्यू, और यहाँ पे जॉस प्लेट्यू, ये चार प्लेट्यूज हमने देख लिए। डेजर्ट हमने देख लिए थे सहारा, वेस्टर्न डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट, नुमीबियन डेजर्ट, नामिब डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ड्रेकन्सबर्ग कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के अंदर। इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, एक बार इन सारी लोकेशन को फिर से इंपॉर्टेंटली देख लेना। फिर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरा एरिया ही काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोकेशन थी जो न्यूज में बार बार आ रही थी, एक तो मेरो नेशनल पार्क, लेक ताबोरी, एक बुडावांग नेशनल पार्क। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये नेशनल पार्क या ये लेक कहाँ पे है तो हम कहाँ पे टिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की सारी लोकेशंस इंपॉर्टेंट होती है। एक बार ऑस्ट्रेलिया का मैप भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, लेट्स सी। ऑस्ट्रेलिया में से
जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये इसको हाफ में क्रॉस करती है यहाँ पे, और बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर लोकेटेड है एलिस स्प्रिंग। अगर सीधा क्वेश्चन आता है एलिस स्प्रिंग कहाँ पे लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर। इसकी एक बार इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं। इसकी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं ये यहाँ पे है, इसका ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, और ये वाला इंडियन ओशन ओपन होता है। तो इसकी ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो पैसिफिक ओशन के अंदर ओपन होती है। सिर्फ पर्थ एक ऐसा सिटी है, सिर्फ पर्थ एक ऐसा सिटी है जो इंडियन ओशन के साइड में, वो भी यहाँ पे नीचे, यहाँ पे सदर्न ओशन वाली बाउंड्री लग जाती है, यहाँ पे ओपन होता है। बाकी इसकी सिटीज कौन सी है, क्रेन्स, टाउन्सविले, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, यहाँ पे ये विक्टोरिया, मेलबर्न, यहाँ पे डार्विन, ये सारी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। पहले इसके आसपास की वाटर बॉडीज की बात करते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ से देखते हैं। यहाँ पे है तिमोर सी, यहाँ पे है आराफुरा सी, ये दिख रहा है आपको ऊपर आराफुरा सी, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है इंपॉर्टेंट, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया भी इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है हमें कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो हर बार न्यूज में रहता है, स्पेशली अभी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और कोरल ब्लीचिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ काफी न्यूज में थी। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, हम यहाँ पे है तस्मान सी, ये दिख रहा है आपको तस्मान सी, फिर यहाँ पे है बास स्ट्रेट, और यहाँ पे एक छोटा सा कंगारू आइलैंड है, और ये तस्मानिया है नीचे, और तस्मानिया के अंदर एक माउंटेन है माउंट ओसा। ये तो हो गई आसपास की वाटर बॉडीज की बात। अब चलते हैं इसके अंदर के फिजिकल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी लेक्स हैं यहाँ पे। देखो इसमें काफी लेक्स हैं, सारे लेक्स तो इतना पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सारे लेक्स याद रहे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनको 2-3 बार देखेंगे तो एटलीस्ट हमें एग्जाम में याद आ जाएगा कि अच्छा ये नाम हमने वहां पे देखा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। लेक ग्रेगरी, लेक माके, लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक मकॉल्ड, मकलॉड, लेक लेक मकलॉड, लेक लेक रेजन, लेक बार्ली, लेक ऑस्टिन, लेक ईरी, आपको याद रह जाएगा लेक ईरी यहाँ पे है, लेक ईरी की दो है, लेक नॉर्थ ईरी और साउथ ईरी, लेक बलाचे, लेक फ्रोमे, लेक ग्रेंडर, ये सारी लेक्स हैं यहाँ पे, लेक वुड, कुछ काफी सारी लेक्स हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं कि रेंज कौन सी है। ये आपको दिख रही है सबसे बड़ी, जो इसके ईस्टर्न एरिया को कवर करी हुई है पूरी, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, और 3 ऑप्शन दिए हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद एक यहाँ पे है ग्रे रेंज, छोटी सी ग्रे रेंज है यहाँ पे दिख रही है आपको, और यहाँ पे है मैकडोनल्ड रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, और ठीक है फिर देखते हैं प्लेट्यूज। 3 इंपॉर्टेंट रेंज देख लिया हमने, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रे रेंज और मैकडोनल्ड रेंज, और यहाँ पे है बैरो रेंज भी, बैरो रेंज। एक ये है नुलाम्बर प्लेन, जैसे हमने साउथ अमेरिका के अंदर पंपास के प्लेन देखे थे वैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर नुलाम्बर के प्लेन्स हैं। डेजर्ट्स देख लेते हैं इसकी एक बार, डेजर्ट ये काफी, ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी काफी बड़ा डेजर्ट है, तो लेट्स सी, एक तो है तानामी डेजर्ट, एक है ग्रेट सिंडी डेजर्ट, एक है गिप्सन डेजर्ट यहाँ पे, एक है सिम्पसन डेजर्ट। हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं, लेट्स सी, ये रहा तस्मानी डेजर्ट, सॉरी तानामी डेजर्ट, गिप्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और कोई डेजर्ट दिख रहा है आपको? तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। अगर लोकेशन आ जाती है तानामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिप्सन डेजर्ट या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट या सिम्पसन डेजर्ट, कहाँ पे लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेक्स याद कर लेना, रेंज याद कर लेना। एक बार इसका प्लेट्यू भी देख लेते हैं, यहाँ पे किम्बरले और नुलाम्बर प्लेन्स कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया, बार्कली टेबललैंड ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में न्यूज में था आयोनियन सी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आयोनियन सी याद आ रहा है आपको, यहाँ पे क्रोशिया एक कंट्री थी जिसके बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वो एड्रियाटिक सी में ओपन होती है, फिर हमने इसको एक्सटेंसिवली देखा था। तो आयोनियन सी जो है ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये एड्रियाटिक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है,
इसकी सराउंडिंग की तीन कंट्रीज हैं, दिख रही है हमें साफ साफ, इटली, ग्रीस और अल्बेनिया। ये तीन कंट्रीज इसको सराउंड करती है। यूरोप के अंदर बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, तो आई सस्पेक्ट कि यूरोप में शायद ज्यादा लैंडलॉक्ड कंट्रीज होती नहीं होगी। एनी गेस कि यूरोप में कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज होंगी? चलो देख लेते हैं यूरोप में कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ये पहले यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्रीज देखे, उससे पहले एक बार यूरोप का पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। मैं इसको ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं बताऊंगी, छोटा वीडियो रखेंगे। ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है सबसे ऊपर, जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं। उसके नीचे बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के ये जो तीन कंट्रीज दिख रहे हैं आपको, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, इनको बाल्टिक नेशंस भी बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर आता है व्हाइट सी। आप इन एटलीस्ट ये जो वाटर बॉडीज आप देख रहे हो छोटे छोटे सी, इनका लोकेशन ध्यान रख लेना। उसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है डेनमार्क का, ये है जर्मनी और ये है फ्रांस। ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं इसमें काफी, जैसे ये लक्समबर्ग है, ये वाला एरिया लक्समबर्ग का है, ये है लेंचेस्टाइन, यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंचेस्टाइन का है, ये स्विट्जरलैंड जो यशराज की मूवीज में बहुत दिखता है, यहाँ पे है ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था पहले, फिर ये डिवाइड होकर ये चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया हो गया, ये यूक्रेन का एरिया है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था सी ऑफ अजो, जो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, और ब्लैक सी और सी ऑफ अजो को मिलाता हुआ कौन सा स्ट्रेट था, स्ट्रेट ऑफ कैरच। और बाकी कौन सी कंट्रीज है, रोमानिया है, बोस्निया है, यहाँ पे बुल्गारिया है, मैकडोनिया है, अल्बीनिया, अल्बीनिया हमने देखा था जो आयोनियन सी को टच कर रहा था, ग्रीस था, यहाँ पे इटली है, ये सिसिली है, ये सर्डिनिया इटली का एक पार्ट है, ये वेटिकन जो दुनिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री में आता है, ये क्रोएशिया जो हमने देखा था एड्रियाटिक सी के अंदर ओपन होता है, ये एंडोरा, एंडोरा स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के बीच में, ये आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ये वाला एंडोरा का कंट्री है। स्पेन और पुर्तगाल हमने देखा था कौन से पेनिनसुला पे था, इब्रियन पेनिनसुला पे। और यहाँ पे बे ऑफ बिस्के आता है, बे ऑफ बिस्के किसके बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच के अंदर, अजोर्स, यहाँ पे अजोर्स हैं। और ये सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है यूके, ये वाली जो है ये प्राइम मेरिडियन की लाइन निकल रही है यहाँ से, इसको हम अभी बाद में देखेंगे। ये यूके, ये वाला है स्कॉटलैंड, और यहाँ पे सबसे एंड में जो आपको एरिया दिख रहा है ये है आयरलैंड का, और इसके ऊपर छोटा सा इसका जो टुकड़ा है इसको नदन आइलैंड बोलते हैं। ये दोनों दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, नदन आइलैंड एंड आयरलैंड आर टू डिफरेंट कंट्रीज। ये हो गया एक मोटा मोटा तौर पे इटली यूरोप का पॉलिटिकल मैप। एटलीस्ट आपको कंट्रीज का नाम दे दे, या फिर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एटलीस्ट इनका लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे स्पेन आपको पता है कि यहाँ पे है, और आपको पता है कि पोलैंड यहाँ पे है। एक बार पेन का कलर चेंज करते फिर आपको बताते हैं। लोकेशंस का मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ रिलेटिव डिस्टेंस की ना, तो रिलेटिव डिस्टेंस हम ऐसा निकालेंगे, जैसे देखो अच्छा मैंने बोला कि स्पेन यहाँ पे है, तो मैं क्या देखूंगी कि अच्छा स्पेन जो है वो फ्रांस के नीचे है, और फ्रांस जो है वो जर्मनी के नीचे है। जर्मनी और पोलैंड ना ऑलमोस्ट पास पास में ही है। अच्छा तो अगर दोनों में आता है तो ये वाला है वेस्ट में है और ये ईस्ट के अंदर है। ओके, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन तो पूरा बिल्कुल एकदम नदन यूरोप के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आते हैं तो अच्छा ये इस्तोनिया, लातविया और लुथुविया जो है ये ईस्टर्न यूरोप के पार्ट है। मतलब अगर मेरे को वेस्ट टू ईस्ट कुछ अरेंज करने को दे तो ये तीनों बिल्कुल इस तरफ आएंगे, स्पेन बिल्कुल वेस्टर्न यूरोप का पार्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको रिलेटिव डिस्टेंस देखनी है। अच्छा लैंडलॉक्ड कंट्रीज देखते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज में क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज यूरोप के अंदर इतनी वाटर बॉडीज हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज भी हैं तो यूरोप के अंदर 14 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। 14 लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी, ये देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था छोटा सा एरिया लक्समबर्ग का था, ये लेंचेस्टाइन था, यहाँ पे लेंचेस्टाइन है छोटा सा, ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, ये सारी बाल्टिक कंट्रीज थी, मोल्डोवा, कोसोवा, सर्बिया, सेन मैरिनो, मैकडोनिया और ये एंडोरा जो स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटी सी लाइन हमें दिख रही थी, और वेटिकन सिटी। ये सारी की सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं यूरोप की। आप इनका नाम याद रख लीजिए, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। लक्समबर्ग, लेंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैकडोनिया, सेन मैरिनो, वेटिकन सिटी, एंडोरा और बेलारूस।
ये सारी लैंडलॉक कंट्रीज है यूरोप की, आपको इनके नाम याद होने चाहिए, चाहे आप पीडीएफ से रिवाइज करना, चाहे आप वीडियो से रिवाइज करना, लेकिन आपको ये एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद में कुछ एक्टिव वॉल्केनोज जो इरेप्ट हुए वो सारी न्यूज के अंदर थे। लेट्स सी, जैसे कि ताल वॉल्केनो है, ताल वॉल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है, फिलीपींस के अंदर, यहाँ पे ये एरिया, ये स्लाइड अगर आपको याद है तो हमने ये लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था, हमने सुबिक बे की बात करी थी जो साउथ चाइना सी के एक्सटेंशन में मनीला के पास है, और यहाँ पे होमो लुजोनोसिस का जो न्यू ह्यूमन एंशंट स्पीशी डिस्कवर हुआ है लुजोन आइलैंड पे। अगर क्वेश्चन आ जाता है लुजोन आइलैंड कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये एरिया, फिलीपींस में। अच्छा, जो ताल वोल्केनो है ये कॉम्प्लेक्स वोल्केनो है। यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपको डिफरेंस पता करना है कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वोल्केनो या फिर स्ट्रेटो वोल्केनो या जिसको फिर कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच में थोड़े दो मेजर डिफरेंसेस हैं, आपको वो पता करना है। और ये माउंटेन्स, ये भी सारे एक्टिव वोल्केनोज है जो हमने पढ़े थे। माउंट वेसुवियस कहाँ था, इटली। माउंट इटना कहाँ था, इटली में। माउंट शिनाबोंग, शिनाबोंग कहाँ था, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर था, एग्जैक्टली। उसके बाद में एक और नया एक्टिव वोल्केनो, नया नहीं है सॉरी, एक और एक्टिव वोल्केनो न्यूज में था जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड या फिर वखारी। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाइट आइलैंड कहाँ पे है, तो व्हाइट आइलैंड ये न्यूजीलैंड के अंदर है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, नदर न्यूजीलैंड ऑकलैंड के बिल्कुल पास में। व्हाइट आइलैंड या वखारी एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। मैंने आपसे पूछा है कि आप देखो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूजीलैंड के अंदर। जब हम ये देख रहे हैं तो एक बार ये पूरी लोकेशन देख लें। यहाँ पे सोलोमन आइलैंड हमने देखा था, यहाँ पे वानवातु कंट्री है, ये छोटा सा एक, यहाँ पे फिजी, ये रहा पैसिफिक ओशन के अंदर, टोंगा ये रहा, किरीबाती, किरीबाती में से इक्वेटर होके निकलती है, किरीबाती ये रहा। देखते हैं अभी आगे क्या है। आगे है कुछ और एक्टिव वोल्केनोज हैं इंडोनेशिया के अंदर। लेट्स सी, इन सब के आप एक बार पॉज करके इन सब के नाम एक बार देख लो, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा कि कौन सा वोल्केनो कौन से वाले लोकेशन के अंदर है। और एक बार ये भी देख लेते कि ये वाला एरिया जो है ये मलेशिया का एरिया और ये इंडोनेशिया का एरिया है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि एशिया के अंदर सिर्फ मालदीव और इंडोनेशिया दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर होके निकलती है। यहाँ पे ये बंदा सी है और यहाँ पे ये जावा सी है, और ये वाला एरिया आता है बाली का। लोकेशंस देख रहे हो आप, ये है बुनाई ऊपर और ये है बाली यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है जकार्ता। तो अगर जकार्ता और बाली में पहले कौन आ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो जकार्ता, और बुनाई ऊपर है, बाली यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बोगनविले आइलैंड न्यूज में रहा था, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो आइलैंड है ये पपुआ न्यू गिनिया का आइलैंड है, लेकिन इन्होंने वोट कराए कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अभी बने नहीं है, ये नया कंट्री बना नहीं है, लेकिन अगर इनको कंप्लीट ऑफिशियल इंडिपेंडेंस मिलती है तो ये वर्ल्ड का न्यूएस्ट कंट्री बन जाएगा। इसका लोकेशन कहाँ पे है, पपुआ न्यू गिना पे, पैसिफिक ओशियन के अंदर। वनीला आइलैंड काफी टाइम से न्यूज में, आपने पढ़ा होगा न्यूज में वनीला आइलैंड। वनीला आइलैंड क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो वनीला आइलैंड इट्स नॉट जस्ट वन आइलैंड, ये छह आइलैंड्स हैं जिनका एक ग्रुप है। इंडियन ओशन कमीशन के अंदर इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, और क्यों बनाया है कि हम लोग इंडिविजुअल अपना ब्रांड सेल नहीं करेंगे ट्रैवल के लिए, बल्कि हम जो छह आइलैंड्स हैं हम लोग साथ में मिलके एक मार्केटिंग ब्रांड बनाएंगे, ताकि उनकी ट्रैवलिंग वगैरह से अच्छी इनकम हो सके। छह कौन सी आइलैंड्स हैं, ये सारे साउथ वेस्ट इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं। हमने लोकेशंस इनकी पहले भी देखी है, अगर आपको याद हो तो सिचलस देखा है हमने, मेडागास्कर देखा है हमने, रीयूनियन, मॉरिशियस, कॉमोरस और मायोत, ये छह आइलैंड्स हैं। इनका नाम रट लो, सिचलस, मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशियस, कॉमोरस और मायोत, ये छह आइलैंड्स हैं। अच्छा, इनकी लोकेशंस देखते हैं एक बार कि कहाँ पे लोकेटेड हैं। ये है इनकी लोकेशन इंडियन ओशन, ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन है। कहाँ पे, सिचलस ये रहा सबसे ऊपर, सिचलस, और ये रहा कॉमरोस, ये रहा मायोत, मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशियस। हो गए, कुछ बचा, हो गए। एक बार फिर से देखिए, सिचलस, कॉमोरस, मायोत, मेडागास्कर, मॉरिशियस और
रीयूनियन, ये 6 आइलैंड्स हैं जिनको वनीला आइलैंड बोलते हैं। और वनीला आइलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन लोकेशंस के अंदर जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, जिससे वनीला का फ्लेवर आता है, जो वनीला आइसक्रीम खाते हैं या फिर वनीला जो फ्रेग्रेंस लगाते हैं, वो यहाँ से निकलता है। तो उन्होंने उसके बेसिस के अंदर इनको वनीला आइलैंड नाम दे दिया है। तो जब हम वनीला आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्पाइस आइलैंड नाम का भी चीज़ होता होगा। तो स्पाइस आइलैंड क्या है? अच्छा, ये स्पाइस आइलैंड जो है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इंडोनेशियन आइलैंड है, ये वाला दिख रहा है आपको, मोलुकस। मोलुकस को मालाकू भी बोलते हैं, मालुकू, मोलुकस बोलते हैं या फिर मोलुकू बोलते हैं। इनको स्पाइस आइलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तब यहाँ की जो स्पाइसेस थी वो यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। अभी भी है इनकी, अभी भी यहाँ से बहुत सारी अच्छी स्पाइसेस निकलती हैं, तो इसलिए उन लोगों ने इसको स्पाइस आइलैंड नाम दे दिया था। स्पाइस आइलैंड कहाँ पे है? मोलुकस या मालुकू, कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर। ड्रेक पैसेज है, ये काफी डेंजरस पैसेज है। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स रेक हो जाते हैं। इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका है और ये अंटार्कटिका है। इन दोनों के बीच के अंदर ड्रैग पैसेज है। ये साउथ अमेरिका की जो कैपहॉर्न सिटी है उसके बीच में, और ये जो साउथ शेट आइलैंड है अंटार्कटिका का, उसके बीच के अंदर फॉल होता है ड्रैग पैसेज। अगर आपको दिया जाए ड्रैग पैसेज कहाँ पे है, तो आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। माउंट पाकेटू न्यूज में था। माउंट पाकेटू जो है, इसको बकेडू माउंटेन या फिर चांगबाई माउंटेन भी बोलते हैं, ऐसा दिखता है यहाँ पे। ये आपको जो बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर चाइना और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करता है। चाइना और नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल बॉर्डर पे माउंट पकेटू है। और ये जो है, ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है, स्ट्रेटो वॉल्केनो है। और ये कोरियन पेनिनसुला, ये वाला जो एरिया है कोरियन पेनिनसुला, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके ऊपर ये जो जब ये वॉल्केनो का डिप्रेशन बन जाता है इसके कोन पे, तो जो कैलरा लेक होती है, जो कैलरा होता है, वो डिप्रेशन लेक बन जाती है, क्रेटर लेक बन जाती है, उसको बोलते हैं हेवन लेक। अगर क्वेश्चन आ जाता है हेवन लेक कहाँ पे है, तो इट्स ऑन माउंट पकेटू, और जो कहाँ पे है, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर। अगला है माउंट माकालू। माउंट माकालू जो है, ये वर्ल्ड का फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन है, फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन है। कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल और तिब्बत के बीच में, हिमालयन रेंज में। माउंट माकालू कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल और तिब्बत के रेंज पे। जब हम ये देख रहे हैं, तो एक बार हम ये भी देख लेंगे और कौन से माउंटेन्स ऐसे हैं जो द टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन्स के अंदर आते हैं। माउंट एवरेस्ट पता है हमें, उसके बाद केटू। केटू को चोगोरी या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसके अल्टरनेटिव नेम्स को उतने ही अच्छे से याद करना जितना आप केटू को करते हो। केटू को ही चोगोरी या फिर गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। नंगा पर्वत, ये रहा नंगा पर्वत इधर। नामजग बारवा यहाँ पे है, फूजी, ये तो फूजी का एरिया आ गया। और ये कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, जो अपना फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज भी है कंचनजंगा पे, ठीक है। इल्ब्रिस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, इतना हमने देखा था। वॉल्केनो है ये इटली में, और ये आरात है, कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ये कुछ कंट्रीज हैं जो प्राइम मेरिडियन पे लोकेटेड है। सी, मैंने आपको 3 4 ऐसे स्लाइड्स दी हैं, जो जैसे इक्वेटर पे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन पे कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है, और प्राइम मेरिडियन पे कौन सी कंट्रीज हैं। प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं? जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो पूरी अर्थ को ईस्ट और वेस्ट के अंदर डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों सेम लाइन्स होती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज इस पे फॉल होती हैं? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिक, और अंटार्कटिका, सॉरी, और अंटार्कटिका। कितनी कंट्रीज हो गई हैं? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। ये प्राइम मेरिडियन कितने कॉन्टिनेंट से निकल रहा है? 3 कॉन्टिनेंट से, यूरोप से, अफ्रीका से और अंटार्कटिका से। वैसे ही हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल होती है। सी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प होगा, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये 3 कॉन्टिनेंट से होके निकलती है, नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया के कॉन्टिनेंट से होके निकलती है। नॉर्थ अमेरिका में कौन सी कंट्री से होकर निकलती है? मैक्सिको से। तो इसका मतलब है कि ये जो अमेरिका यूएसए वाला एरिया है, इससे कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी लाइन नहीं निकलती है।
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को ऑलमोस्ट बीच में से काटती हुई बहामास में से जाती है। तो इसकी दो लोकेशन हो गई, बहामास और मैक्सिको में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। फिर आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका पे आपको कौन सी कंट्रीज दिख रही है? सबसे पहले वेस्टर्न सहारा देखा था हमने, यहाँ पे सहारा डेजर्ट था, यहाँ पे एटलस माउंटेन भी था। तो ये वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा से निकलती हुई मॉरिटेनिया से होती हुई माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, सेवन कंट्रीज हैं, याद रह जाएंगी आपको। मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, यहाँ पे देखते हैं वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, ये सारी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं। और यहाँ से फिर रेड सी में से होती हुई निकलती हुई ये अरेबियन पेनिनसुला में तीन कंट्रीज को क्रॉस करती है, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान को। फिर यहाँ से ये यहाँ पे एंटर होती है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो वहाँ पे ये इंडिया को क्रॉस करती हुई, बांग्लादेश को क्रॉस करती हुई, म्यांमार को क्रॉस करती हुई, चाइना और ताइवान में से निकलती है। एक बार फिर से देखें, साउथ अमेरिका के अंदर, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैक्सिको, बहामास, फिर अफ्रीका के अंदर वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, फिर रेड सी को क्रॉस करती हुई अरेबियन पेनिनसुला पे सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, ओनली तीन कंट्रीज। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया और उसके आगे निकलती हुई बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान में से होके निकलती है। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद। एक बार देखते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से भी निकलती है, तो हम ये भी देख लें कि कौन कौन से स्टेट से निकलती है। आठ स्टेट से निकलती है, गुजरात से, गुजरात में एंटर होती है, फिर यहाँ पे राजस्थान में, सदर्न राजस्थान का बिल्कुल छोटा सा एंटर होती हुई मध्य प्रदेश को ऑलमोस्ट हाफ में काटती है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होती हुई निकलती है। कौन सी आठ कंट्रीज हैं? बहुत ही सिंपल है, ये आपको याद हो ही जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश को बीच में से काटती है, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड से होती हुई वेस्ट बंगाल में से निकल के त्रिपुरा और मिजोरम से होके म्यांमार में चली जाती है। फिर देखते हैं कौन सी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आती हैं। ओके, 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 10 कंट्रीज में से निकलती हैं, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया का एरिया है, यहाँ पे फ्रेंच पॉलिनेशिया को भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच में से काटता है। ये है साउथ अमेरिका में से निकल रही है। लेट्स सी, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री से निकल रही है? ब्राजील से निकल रही है, पराग्वे से निकल रही है, पराग्वे हमने देखा था लैंड लॉक्ड कंट्री थी, अर्जेंटीना और चिली से निकल रही है। साउथ अमेरिका में चार कंट्रीज से निकल रही है, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। फिर आती है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज है? नामीबिया, बोस्तवाना और साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। नामीबिया, बोस्तवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और फिर मेडागास्कर वाले आइलैंड से निकल के ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट बीच में से काटती हुई, यहाँ पे हमने एलिस स्प्रिंग देखा था, यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट देखा था, ऑस्ट्रेलिया को बीच में से काटती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाती है। एक बार फिर से देख लें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ अमेरिका को चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील में से निकल के अफ्रीका में जाती है, जहाँ पे ये बोस्तवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर में से निकल के ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट बीच में से काटती हुई जाती है। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस। अभी कुछ मॉक क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल फीचर्स और उसके रीजन दे के रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा रीजन कहाँ पे है। माउंट इटना, माकालू, शिनाबोग और बकेडू कहाँ कहाँ पे हैं? अगर आपको याद नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा सा पॉज करके पहले देख लीजिए कि अगर आपको याद आ रहा है तो राइट आंसर क्या है, नहीं तो देखते हैं। माउंट इटना हमने कहाँ पे देखा था? इटली में, इट्स अ कॉम्पोजिट वॉल्केनो, यहाँ पे देखो लोकेशन। उसके बाद में माउंट मकालू कहाँ देखा था हमने? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे, वर्ल्ड का फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन। माउंट शिनाबुक कहाँ देखा था? इंडोनेशिया के अंदर, और इसी के अंदर आपको लेक तोबा भी दिख रही है यहाँ पे, ये देखो लेक तोबा। और उसके बाद में माउंट पकेटू, माउंट पकेटू किसके बॉर्डर पे था? चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे। तो राइट आंसर क्या हो गया? यस, द आंसर इज बी, माउंट मकालू जो है वो नेपाल के अंदर है, बाकी सब गलत लोकेशंस दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैग पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पे था ये क्वेश्चन? मैंने डिस्कस करते हुए भी डिस्कस करा था, लेट्स सी, अर्जेंटीना और कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अमेरिका और अटलांटिक के बीच में लोकेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
यस आंसर सी साउथ अमेरिका कैप हॉर्न एंड दी साउथ शेटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तल अवीव, तेहरान, बेरूत और इस्तानबुल दिया हुआ है। इस्तानबुल हमें पता है टर्की में है, सलमान खान की बहुत सारी मूवीज में हमने देखा है। तल अवीव भी हमने बहुत सुना है, इसराइल के अंदर है। अगर इन केस हमें नहीं पता कि तेहरान और बेरूत कहाँ पे है, तो चलो इन दोनों को करते हैं। इस्तानबुल टर्की है, टर्की पहले आता है उसके बाद में इसराइल आता है, तो मतलब इस्तानबुल पहले होगा और तल अवीव बाद में होगा। तो मतलब इसको क्रॉस कर दे और इसको क्रॉस कर दे, हटा दे दोनों को। अभी आंसर होगा या तो बी होगा या सी होगा। चलो थोड़ा सोचते हैं। तेहरान, तेहरान इराक, ईरान के आसपास कभी सुना होगा एग्जैक्ट कंट्री, चलो अगर याद भी नहीं है तो। बेरूत वाला एरिया याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग मैप देखते हैं। लेट्स सी द मैप, दिख रहा है आपको? इस्तानबुल और क्या था, तल अवीव, बेरूत और क्या था, फोर्थ कौन सा था, तेहरान। ओके तो अभी ये बता सकते हो, ये तो सही था हमारा, इस्तानबुल और तल अवीव। बेरूत सीरिया के अंदर है, तो ऑब्वियसली ईरान से पहले आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल एंड इस्तोनिया। अभी ये क्वेश्चन जब मैंने यूरोप का मैप बताया था तब भी डिस्कस करा था, इस्तोनिया सबसे ऊपर बताया था। चलो चार लिख लेते हैं, पुर्तगाल तो यहाँ पे नीचे था काफी, तो चलो पीछे होगा। अच्छा हंगरी और पोलैंड में थोड़ा कन्फ्यूजन है हम, चलो कोई बात नहीं, मैप देखते हैं। मैप में कहाँ पे दिखा है आपको, इस्तोनिया, पोलैंड, हंगरी तो नीचे है, चलो ये तो लैंडलॉक कंट्री भी था हमें याद आ गया, और पुर्तगाल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबिक बे इज लोकेटेड वेयर। सुबिक बे बहुत बार स्लाइड दिखा दी, गलत नहीं होना चाहिए। सुबिक बे इज वेयर, इट्स इन फिलीपींस, आंसर इज फिलीपींस। इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ब्राजील, मालदीव, चिली या फिर मलेशिया। एलिमिनेशन टेक्निक यूज लोगे इसमें, मैंने क्या बताया था कि मालदीव्स में से क्रॉस होता है, तो चलो दो वाला तो आंसर होगा, तो 7 को हटा सकते हैं। चिली, चिली तो साउथ अमेरिका के अंदर है, साउथ अमेरिका से तो इक्वेटर सिर्फ ब्राजील में से पास होता है, चिली में से पास नहीं होता है, तो चलो थर्ड हटाओ, तो मतलब ऑल 4 हट गया। बचा ये मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया तो हमने क्या देखा था कि एशिया का सिर्फ मालदीव्स और इंडोनेशिया में से इक्वेटर निकलता है, तो मलेशिया तो इंडोनेशिया के ऊपर है जिसमें से इक्वेटर क्रॉस नहीं होता है, तो मलेशिया भी गया, तो आंसर ये भी गया, तो आंसर क्या हो गया, ओनली 1 एंड 2। लेट्स सी द मैप, एक बार मैप देख लेते हैं, इक्वेटर कहाँ कहाँ से निकलता है। साउथ अमेरिका में से निकलता है कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील के अंदर से। फिर ये है सारी अफ्रीकन कंट्रीज, कहाँ कहाँ से निकलता है, साउथ ओमन प्रिंसपी, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, गबोन से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों में से निकलता है। उसके बाद युगांडा जो लैंडलॉक्ड कंट्री थी, केनिया और सोमालिया में से निकलता है। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि एशिया की सिर्फ दो कंट्रीज आती है, मालदीव्स और इंडोनेशिया, और किरीबाती आइलैंड जो पैसिफिक के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है उसमें से निकलती है। तो दिस इज कि कौन सी कंट्रीज में से इक्वेटर पास होती है। चलो तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, ब्राजील एंड मालदीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको पता है कि जॉर्जिया हमने बताया था कि कौन से सी में खुलता है, ब्लैक सी के अंदर। सोमालिया हमने देख लिया कि ये तो इंडियन ओशन के अंदर ओपन होता है। क्रोएशिया मैंने इतनी बार बताया कि एड्रियाटिक सी के अंदर ओपन होता है, और लाओस इकलौता ऐसा कंट्री है उस तरफ, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में, जो लाओस लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो आंसर हो जाएगा ए। पुरे तू विलियम्स वॉज इन न्यूज बिकॉज, ये मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था, लास्ट वीडियो में दिखाया था। ये क्या है पुरे तू विलियम, पुरे तू विलियम जो है वो वर्ल्ड की सदर्न मोस्ट कंट्री है, यहाँ पे लोकेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर ये कुछ लेक्स भी मैंने बताई थी, लेक टोबा कहाँ पे है, लेक टोबा अभी हमने देखा था, लेक सजन कारा, लेक टिब्रिस और लेक पोंडेम। इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, फोर्थ सही है, पोंडेम वेटलैंड है इंडिया का, चलो फोर्थ सही है, फर्स्ट को हटाओ। लेक सजन कारा नेपाल के अंदर है पता है, तो चलो
थर्ड को भी हटाओ, फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर होगा। लेक टोबा अभी हमने देखा था, माउंट शिनाबुक के पास था। लेक टोबा इंडोनेशिया में, रशिया में नहीं है, तो चलो फर्स्ट तो है ही नहीं। फिर है सजनकारा, सजनकारा वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन लेक बनने वाली है, तिलीचो को हटा के। कहाँ पे बनी है, हाईएस्ट बन रही है तो नेपाल में ही होगी, तो सेकंड सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही है। लेक टोबा इंडोनेशिया के अंदर है। विच ऑफ द आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ द वनीला आइलैंड, मालदीव्स, मायोत, अल्डाब्रा एंड डिएगो गार्सिया। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे मैप में। ठीक है, चले आंसर पे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ओ, इसमें एक्चुअली आंसर ए है, मालदीव्स एंड ओनली मे, ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, मायोत, राइट, आंसर सी, ओनली टू। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने सारी इंटरनेशनल लोकेशंस कवर करी थी। आगे दो वीडियो और अपलोड करे जाएंगे जिसके अंदर मैं इंडिया के अंदर जो लोकेशंस न्यूज़ में रही है उनको कवर करूंगी, और उसके बाद में प्रिलिम से 10-15 दिन पहले जितनी भी बाकी लोकेशंस बच जाएंगी आने वाले महीनों की, उन सारों का वीडियो बना के एक अपलोड करा जाएगा। तो अभी इतना ही, प्लीज़ अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए और घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।